रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम चाइनीज भाषा मैंडरिन में रखे। ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसी हरकत की। नॉर्थ की बात करें तो पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, नॉर्थ ईस्ट में तवांग और डोकलाम रीजन। वो खुद तो परेशान रहता है और हमें भी अक्सर करता रहता है, उसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती। और वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो दूसरों की थाली को देखकर रोता रहता है कि मेरी प्लेट में कम है, दूसरों की थाली से थोड़ा मेरी प्लेट में भी डाल दो। चाइना की बॉर्डर स्ट्रेटेजी को आज हम पूरी हिस्ट्री के साथ समझेंगे कि आखिरकार इंडो चाइना बॉर्डर इतना कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर रीनेम्ड 11 ऑफ दोस लोकेशंस इन अरुणाचल। स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट्स चाइनाज लेटेस्ट मूव ऑन अरुणाचल प्रदेश। इन अ बिट टू एम्फसाइज इट्स क्लेम ओवर इंडियाज अरुणाचल प्रदेश, चाइना हैज रीनेम्ड 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, क्लेमिंग इट एज साउथ टिबेट। चाइनीज मैप्स शो अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द चाइना हैज चेंज्ड द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। लास्ट वीक चाइना रीनेम्ड 11 प्लेसेस इन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश। गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सॉ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले इंडिया और चाइना की बॉर्डर को देखते हैं कि मामला कहां गड़बड़। इंडिया चाइना के साथ नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कुल 3 भागों में बॉर्डर को शेयर करता है। वेस्टर्न रीजन में लद्दाख के साथ चाइना के 2 ऑटोनोमस रीजन बॉर्डर शेयर करते हैं, तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस। फिर मिडिल रीजन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तिब्बत से अलग होते हैं। और तीसरा रीजन है ईस्टर्न रीजन जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इंडो चाइना बॉर्डर एक डिमार्केटेड लाइन नहीं है बल्कि एक्चुअल कंट्रोल को बताती है। 1965 की लड़ाई के बाद दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को माना ताकि इन फ्यूचर दोनों देश इस लाइन से पीछे ही रहेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया और इसी के कुछ साल बाद 1996 में इस ट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। 1996 के बाद ये माना जा रहा था कि दोनों देश LAC को पूरा सम्मान देंगे, लेकिन जहां इंडिया के हिसाब से LAC 3488 किलोमीटर है, वहीं चाइना के हिसाब से ये सिर्फ 2000 किलोमीटर है। ये जो लगभग 1500 किलोमीटर का फर्क है, शायद भारत का अक्साई चीन वाला भाग भारत में शामिल करके रखना और चीन का अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानना हो सकता है। किस्सा वेस्टर्न रीजन के गलवान घाटी का है, जहां 15 जून 2020 को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच एक क्लैश होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चाइना को भी लगभग 40 से ज्यादा जवानों को खोना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली 45 साल बाद दोनों देशों के बीच इस तरह की झड़प देखने को मिली जिसमें गोलियों की जगह डंडे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक बायलेटरल टॉक शुरू होती है। लगभग 11 राउंड कोर कमांडर टॉक के बाद भी 3 से 10 किलोमीटर के बफर जोन पर दोनों देशों की सहमति हुई, लेकिन प्रैक्टिकली 17 राउंड तक इंडियन और चाइनीज की हाई लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से इंडिया ने लगभग 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से अपना कंट्रोल खो दिया है। ताशी एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी कैप्टन है जिन्होंने 1997 में गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अपनी सेवाएं दी। वो बताते हैं कि जिन एरियाज पर वो कभी पेट्रोलिंग किया करते थे वो आज बफर जोन बन चुका है। उनके हिसाब से चाइनीज जहां पर पेट्रोलिंग किया करते थे वो अभी भी वहां वैसे ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने वहां अपनी पोस्ट तक बना ली है। टेक्निकली उनके हिसाब से बफर जोन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ना कि चाइना की। पेंगोंग लेक भी एक हॉट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा, जहां पर 8 फिंगर्स का एरिया है, वहां पर फिंगर 4 तक चाइना ने कब्जा किया हुआ। ये थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया और फिंगर 4 के सामने वाली हाइट्स पर बैठ गए। चाइना को उस वक्त इंडिया की एडवांटेज का पता चल गया था, इसलिए वो पीछे हट गया। जैसे ही इंडियन ट्रूप्स भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को छोड़ने लगे, चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे लाइंस, एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जहां पे ऑलरेडी हाईवेज थे उन्हें हाई स्पीड एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर दिया गया। जो एयर स्ट्रिप्स पहले से मौजूद थी
उनकी लेंथ को बढ़ा दिया गया ताकि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को इजीली उतार सके। इसीलिए तो चाइना डेपसांग प्लेन्स और डीएसडीबी रोड की इंपॉर्टेंस को समझता है और यहां पर किसी भी बफर जोन को नहीं मानता। यहां पर पहाड़ों के बीच उसे अपने टैंक्स के लिए हाईवे जैसा बिल्कुल सपाट जगह मिलती है। चाइना इसी तरह काम करता है, जो जगह उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है या उसे कम फायदे वाली लगती है उसने उसे बफर जोन में डाल के रखा है, और जो जगह उसके फायदे की है वो वहां पर अपना कब्जा ही नहीं छोड़ता। भारत और चीन अभी वेस्टर्न रीजन पर बात ही कर रहे थे तो जनवरी 2021 में उसने ईस्टर्न रीजन के सिक्किम में नाकुला में भारतीय सैनिकों के साथ फिर से लड़ाई कर दी, और लगभग 2 साल बाद फिर से अभी दिसंबर 2022 में उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर यही चीज रिपीट कर दी। अब कुछ दिनों पहले ही उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम चाइनीज टेरिटरी मानकर चेंज कर दिए। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना साउथ तिब्बत कैसे बोल सकता है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। दरअसल तवांग किसी वक्त तिब्बत का पार्ट हुआ करता था। 1914 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच बॉर्डर को डिफाइन किया गया, जिसे हम आज मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ब्रिटिशर्स एलएसी वाली लाइन को अलाइन करना चाहते थे, जिसके बीच तिब्बत का कुछ पार्ट वो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में मिलाना चाहते। उस वक्त का नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस आज का अरुणाचल प्रदेश है। एग्रीमेंट तो ब्रिटिशर्स चाइना के साथ भी बनाना चाहते थे, लेकिन चाइना ने कोई सहमति नहीं दिखाई। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हो गया, चीन की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर तब से लगी हुई है, और वो शिमला एग्रीमेंट को भी नहीं मानता, जिस वजह से तवांग रीजन को वो साउथ तिब्बत का पार्ट मानता। वैसे चाइना ने तवांग रीजन पर 1962 की लड़ाई में कब्जा भी कर दिया था, लेकिन जब एलएसी को बनाया गया था तो चाइना ने उस एरिया से भी विड्रॉ कर दिया। आज की बात करें तो वो जानता है कि इस एरिया से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नजदीक से कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही भूटान को भारत से बिल्कुल आइसोलेट भी रख सकता है। हो सकता है कि भूटान को यही डर सता रहा है कि अभी उसका रुख चाइना के डर से भारत और चाइना के बीच न्यूट्रल बना हुआ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत सच में ही चाइना को काउंटर कर रहा है, जिस तरह हमारी मीडिया अक्सर अपने प्राइम शोज में दिखाती है? क्या पाकिस्तान की तरह वहां पर भी हम सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं? अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही समझेंगे कि चाइना कितना बड़ा है, जियोपॉलिटिक्स में उसकी क्या पोजीशन है, तभी तो हम ये तय कर पाएंगे कि क्या सच में भारत चाइना को काउंटर कर सकता है या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।